सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द ब्रेन एंड इट्स पार्ट एंड इट्स फंक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये भी आ सकता है कि आपसे मिड ब्रेन का सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया 2-3 मार्क्स का कि मिड ब्रेन बता दो क्या होता है और उसका फंक्शन बता दो। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या बताना है कि जो मिड ब्रेन है ना, फोर ब्रेन सबसे पहला पार्ट, हिंड ब्रेन सबसे लास्ट पार्ट, उसके बीच में जो ब्रेन का पार्ट है वो है आपका मिड ब्रेन। ठीक है, अब मिड ब्रेन के जो फंक्शन है वो बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल फंक्शन है। ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है जो भी सेंसरी ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन आती है। जिस तरह से मान लो आपको थोड़ा सा गर्म या ठंडा लगा या आपके कोई थोड़ा सा कट लग जाता है, इस तरह से जो सेंसरी ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन आती है, हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन है, आंख, नाक, जीभ और कान और जो आपकी स्किन है। ठीक है, इनसे जो इन्फॉर्मेशन आते हैं उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट जो करने का काम है दैट इज अ पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। जैसे रिस्पॉन्स टुवर्ड्स विजुअल एंड ऑडियो इन्फॉर्मेशन वो होगा, जैसे कि कुछ सुन के आपने रिस्पॉन्ड किया, कुछ देखकर आपने रिस्पॉन्ड किया, तो वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर पाएगा मिड ब्रेन। एग्जाम में आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हो स्टोरिंग थॉट्स, मेमोरी, ब्रीथिंग, हंगर, इमोशंस, डिजायर, ऐसे पॉइंट्स मिड ब्रेन से रिलेटेड है।